हेलो दोस्तों, मैं शशांक चौरसिया सुपर टेक्निकल एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ने जो 1,30,000 वैकेंसी निकाले हैं, आइए हम उसके बारे में आज बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो वैकेंसी है, फर्स्ट नंबर पे है NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, सेकेंड है पैरा मेडिकल स्टाफ, थर्ड है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज एंड फोर्थ है लेवल वन पोस्ट, जिसमें से NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, पैरामेडिकल स्टाफ एंड मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की जो है ये नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी है इन तीनों की 30,000, ये तीनों की मिलकर है 30,000 और लेवल वन पोस्ट जो है वो है 1,30,000 की, यानी 1,30,000 में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है अपनी लेवल वन पोस्ट की 1,00,000। अब आइए बात करते हैं अपन NTPC में, तो NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जो है इसमें क्या क्या चीज आने वाली, तो NTPC में जो है जूनियर क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड गार्ड्स, स्टेशन मास्टर, एक्सेट्रा, ये जो सब वैकेंसी है ये सब वैकेंसी आएगी NTPC के अंदर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की। और दोस्तों, NTPC के जो फॉर्म भराना जो चालू होने वाले हैं वो होने वाले हैं 28/2/2019 से, यानी 28 फरवरी से ये NTPC के फॉर्म भराने लगेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पैरामेडिकल स्टाफ की, तो पैरामेडिकल स्टाफ में जो है स्टाफ नर्स, ECG टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट एक्सेट्रा, तो पैरामेडिकल स्टाफ की और जो वैकेंसी है वो भराना चालू होगी अपनी 4/3/2019 यानी 4/3/2019 से पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी भराना चालू होगी। आइए अब बात करते हैं थर्ड मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज में जो पद हैं वो स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर एक्सेट्रा, और अपनी जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज है इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भराने वाले हैं वो अपने फॉर्म भराने वाले हैं 8/3/2019 से, यानी 8/3/2019 से इसके फॉर्म भराएंगे। आइए अपन नेक्स्ट देखते हैं लेवल वन पोस्ट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1,00,000 है। तो आइए अब बात करते हैं अपन लेवल वन पोस्ट की, तो लेवल वन पोस्ट में आने वाले हैं हेल्पर या असिस्टेंट इन वेरियस टेक्निकल डिपार्टमेंट, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो, हेल्पर या असिस्टेंट इन वेरियस टेक्निकल डिपार्टमेंट, चाहे अगर वो इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो, तो जो लेवल वन पोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके 1,00,000 वैकेंसी है उसके फॉर्म भराने वाले हैं दोस्तों 12/3/2019 यानी 12/3/2019 से इसके फॉर्म भराने लगेंगे। आइए अब अपन बात करते हैं एग्जाम फीस की, तो एग्जाम फीस जो जनरल कैंडिडेट है या जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड में नहीं आते उनके लिए है 500 रुपए, जिसमें से 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे विल एग्जाम अटेंड, यदि वह CBT बंद जो होने वाला है अगर वो अटेंड करते हैं तो 500 में से उनके 400 रुपये उनके बैंक खाते में वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं अपन SC ST PWD या बैकवर्ड क्लास, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं उन्हें एग्जाम फीस है 250 रुपये, एंड जब वो CBT 1 का एग्जाम दे देंगे यानी स्टेज वन का जब वो एग्जाम दे देंगे तो उनके 250 रुपये विल बी रिफंड विद एग्जाम अटेंड, तो जब वो एग्जाम अटेंड करेंगे तो 250 रुपये उनके बैंक खाते में वापस आ जाएंगे। दोस्तों, ये थी RRB की NTPC पैरामेडिकल स्टाफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड लेवल वन पोस्ट की जानकारी। दोस्तों, इसके बाद वाले वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आने वाला हूँ, इन सभी पोस्टों का सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने स्टेज होने वाले हैं और किन में टाइपिंग टेस्ट होगा, किन में स्किल टेस्ट होगा, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए एंड बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बना के डालता रहूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।